केंद्र सरकार वालों किसानों विरोधी जो आर्डिनेंस जारी किए गए हैं उन्होंने रद्द कराने अर्शदीप सिंह माइकल गागोवाल जिला परिषद मैंबर अते गुरप्रीत कौर गागोवाल की अगवाई हेठ जिला कचहरी मानसा के गेट अगे केंद्र की सरकार का फूकया गया पुतला। जिमें कि कुछ समय पहला केंद्र सरकार ने किसान विरोधी तो पंजाब ते हरियाणा विरोधी खासकर देश विरोधी जो ऑर्डिनेंस तीन ऑर्डिनेंस पास किए हैं उस संबंध में असी धरना लाया। इस नाल इस ऑर्डिनेंस पास होने नाल किसानों नू बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि सब तो वड्डी गल तो भी यह है भी किसान आप दे बी नहीं बी सकता तो बी नहीं लगा सकता वो उन्होंने सरकार तो प्राइवेट कंपनी तो लेने पैणगे जिस भाते वो देया करनगे। दूजी गल जी उन्हें खरीदी सी MSP टुटन कारण उन्हें जोड़े फिक्सड प्राइस ने जी सरकार कन्नी सी वो खत्म हो जाएंगे तो व्डे शाहूकार व्डे कंपनियों के अधीन हो जाएंगे। उस करके असी इस धरना लाया असी सरकार के विरुद्ध तो असी सरकार को बेनती भी करते हैं क्योंकि भैया इस जे ऑर्डिनेंस वापस लेते जा नहीं तो एडू भी व्डा धरने असी रोस मुजहरे कांग्रेस पार्टी कन्नी करते रहेंगे। हाँ जी बादल परिवार कन्नी जी दो MP उत्थे कांग्रेस की भाईवाल पार्टी है उत्थे अकाली दल तो BJP बीबे हरसिमरत कौर बादल नू आपदे मंत्री पद तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सारी उम्र इन्होंने किसानों नू लुटिया उन्होंने नाम से वोटा लेतिया ने पांच बारी मुख्यमंत्री भी रह गए पर जो वारी आई खड़न की उदों आह सरकार के हक के भुगत के पंजाब नू अनदेखा करता। कांग्रेस पार्टी कहीं पंजाब भर के ही पिछले कल यूथ कांग्रेस कहीं सारे पंजाब भर के होया असी अगर धरने भी लावा क्योंकि कोरोना वायरस करके अभी ज़्यादा इकट्ठ नहीं करना चाहते थे इस करके सिर्फ अज पुतला फूकिया जे आने वाले समय से इन्होंने बिल नहीं पास लेते असी मानसा जिला पद्धर से हल्का पद्धर से असं आपके धरने लावे पिंडों पिंडी इस प्रदर्शन धरने रूप जी दिता जाऊ जी हर एक पिंड वाइज हर एक ब्लॉक वाइज अभी धरने लावे भी सरकार नू मंगा सारी मंजूर करे। इस मौके अर्शदीप सिंह माइकल गागोवाल ने संबोधन करदे कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में खड़ी है जो मोदी सरकार के किसान विरोधी फैसलों का सारे पंजाब अंदर विरोध कर रही है। अमृतपाल सिंह कूका जी किसान भी हाँ सब तो पहला तो मैं मान पंजाब का बसिंदा होने के नाते कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते असी यह जो धरना लाया वो सारे पंजाब सारे हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी वालों दिते सदे के उत्ते थां पर थां तरीकों के वक्ो वक्रे दिनों असी यह लाया इस अज धरने राही असी बस यही केंद्र सरकार के खिलाफ जी अकाली भाजपा सांझी सरकार है वो खिलाफ असी लोगों लामबंद करांगे उन्होंने दसांगे भी किस तरह इन्होंने किसानी बर्बाद करने वास्ते किया ये तो एक लुकया हुआ एजेंडा इन्हों का अगे इन्होंने सबसिडियां बंद करनिया ने बिजली बंद करनी है बिजली फ्री बिजली है जी माफ़ कर देनी है तो सत्ता आपदे हाथ च रखन लई जिहड़ियां स्टेट गौरमेंटा ने उन्होंने भी इन्होंने अपने अधीन कर लेना कि वह किसानों नू कोई भी सहूलत नहीं दे सकनगियां। बस इन्ना कहिंदा होया मैं सारे अगों भी सदा दिना मैं ये भी ये लड़ाई असी घर घर लेके जावांगे किसान हितों उजागर करांगे किसानों के नाल खड़ांगे असी कांग्रेस पार्टी दियां उपरली साड़ी लीडरशिप की दिशा निर्देशों तहत सानू गिरफ्तारियां देनियां पईयां असी गिरफ्तारियां भी देवांगे किसानों की बांह फड़ांगे असी। धन्यवाद। साडा जिहड़ा यह प्रदर्शन है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है केंद्र सरकार वालों जिहड़े आर्डिनेंस जारी किए गए है किसान विरोधी नीतियां जिहड़ियां हैगियां केंद्र सरकार दियां वो किसानां दी जिहड़ी जायदाद है हौली हौली वड्डियां जिहड़ियां कंपनियां ने एजेंसियां अपनियां उहदियां रखियां होईयां उहनां दे हत्थ दे विच खेती दा जिहड़ा धंधा लैणा चाहुंदियां उहनां ने की कीता आर्डिनेंस दे विच जिहड़ी इह फसल है किसानां दी
उन्हों सीधे व्यापारियों सीधे हर मंडी के बहरले दूर सूबे के बेचण का जोड़ा एक किसानों एक धावा दिता गया है। पर ये लुकन वास्ते कुछ होर चीज़ है, वो ये है वड्डिया कंपनिया के हाथ जी खेती की डोर जी देनिया चाहदियाँ हैं, जिदे कारण किसान बहुत ही तबाह हो जाएगा। जेकर मंडिया के पिछों किसानों की खरीद खत्म होगी, जोड़े व्यापारी है वह मनमर्जी के नाल जी अपनी खरीद करे। दूजा जोड़ा किसानों के उत्ते ठेकेदारी सिस्टम का उत्ता, कुछ मेरे किसान भीर जोड़े खेती नहीं करते, उन्होंने 18% जोड़ा GST वह खेती के उत्ते पहली बार सुने भी जोड़े खेती ठेके से दया करे वो ठेकेदार तो 18% वसूल करे। साड़ी कांग्रेस सरकार यदा हर पक्षों विरोध कर रही है, ये जी भाईवाल अकाली भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी है, वो लुकण बीच ही खेड रही है, केंद्र के नाल रली हुई है। आजाद न्यूज़ टीवी चैनल पर यदि आप अपने आसपास के किसी समस्या समाचार घटना अथवा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रसारित तथा प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें फोन नंबर 62801 43599।